ओमिक्रॉन के प्रतिबंधों के चलते न्यूजीलैंड की पीएम जेसिडा अर्डेन ने अपनी शादी कैंसिल की। पीएम मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी का सपा पर तंज, जो लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं उन्होंने यूपी को अंधेरे में रखा। शोएब अख्तर ने कहा विराट कोहली ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। पंजाब हरियाणा दिल्ली समेत पश्चिम यूपी में आज बारिश की संभावना। झारखंड में 24 घंटे के भीतर 1,755 नए कोरोना मामले, 9 मौतों की पुष्टि। उत्तराखंड के सत्यपाल महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सीएम धामी के खिलाफ भुवन चंद्र लड़ेंगे चुनाव। बॉलीवुड सेलेब्स ने मांगी लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने की दुआ। बोलीबाई ऐप में ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी को मुंबई की अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।